हेलो दोस्तों, मैं हूँ टर्टल यूट्यूबर और आज हम बात करने वाले हैं फ्लावर हॉर्न और ऑस्कर फिश के बारे में। तो सवाल ये है, क्या फ्लावर हॉर्न और ऑस्कर फिश को आप एक साथ रख सकते हैं? इसका आंसर है हाँ और ना दोनों, क्योंकि फ्लावर हॉर्न फिश एक ऑस्कर फिश से ज़्यादा एग्रेसिव होती है, ये तो सबको पता है, और वो एक ऑस्कर को आराम से ख़त्म कर सकती है। तो अगर आप रखना चाहते हुए तो एक ऑस्कर अकेली रखेंगे तो शायद फ्लावर हॉर्न उसको मार डालेगी। अकेली ना रखे, अगर अगर बना भी रहे तो थोड़ी कम्युनिटी, अगर एक फ्लावर हॉर्न एक ऑस्कर के साथ रहेगी तो वो उसको आराम से ख़त्म कर देगी। लेकिन अगर आप एक मछली से ज़्यादा मछली ऐड करते हैं, मल्टीपल फिशेज ऐड करते हैं, या फिर तीन से ज़्यादा, तो वो अपने टारगेट को लॉक नहीं कर पाएगी, तो उसमें भी थोड़ा चांसेस रहता है कि फ्लावर हॉर्न उनके साथ रह ले। वैसे ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपके फ्लावर हॉर्न पे कि क्या वो उनके साथ रह सकते हैं कि नहीं। और कोई भी फिश अगर आप फ्लावर हॉर्न के साथ रख रहे हैं तो ये इंश्योर करना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फ्लावर हॉर्न से थोड़ा बड़ा हो, एकदम बड़ा भी नहीं कि वो फ्लावर हॉर्न को ही खा जाए, लेकिन उससे बड़ा हो, क्योंकि अगर फ्लावर हॉर्न से छोटा हो तो फ्लावर हॉर्न उसको पक्का मार ही देगी। और अगर ऑस्कर रख रहे तो ज़रूरी है कि ऑस्कर उससे थोड़ी बड़ी हो, इतनी बड़ी कि कम से कम वो फ्लावर हॉर्न के अटैक्स को टैकल कर सके, तब शायद फ्लावर हॉर्न उसको रहने देगी, या फिर ऑस्कर स्ट्रेस की वजह से मर सकती है। तो अगर आप रख भी रहे तो आपको टेरिटरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा टैंक देना पड़ेगा, कम से कम 100 गैलन तक का, क्योंकि उससे छोटा टैंक रहेगा तो फ्लावर हॉर्न उसको बिना मतलब के भी मार सकती है। तो आपको हाइडिंग प्लेसेस भी बहुत ज़्यादा डालने पड़ेंगे, थोड़े से हाइडिंग प्लेसेस बिल्कुल नहीं चल पाएंगे, क्योंकि फ्लावर हॉर्न फिश बहुत अग्रेसिव हो जाती है दूसरी मछलियों पे, और ऑस्कर फिश का एग्रेशन इतना ज़्यादा भी नहीं होता कि वो फ्लावर हॉर्न को मार सके। और फ्लावर हॉर्न के दांत भी बहुत शार्प होते हैं ऑस्कर के मुकाबले। ऑस्कर के पास सैंड पेपरी टीथ होते हैं, लेकिन फ्लावर हॉर्न के दांत बहुत शार्प होते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग सिक्लिड है, क्योंकि ये एक हाइब्रिड फिश है, एक मछली नहीं है। इसको बहुत सारी मल्टीपल फिशेस के साथ ब्रीड करके बनाया गया है, जिसमें रेड डेविल जैसी खतरनाक मछलियाँ भी आती है। रेड डेविल और ट्रामेक सिकलेट, ये दोनों ही टेरिटोरियल मॉन्स्टर्स होते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो एक ऑस्कर का अकेले टिक पाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाए। और वैसे भी फ्लावर हॉर्न एक सेंट्रल अमेरिकन सिकलेट है और ऑस्कर एक साउथ अमेरिकन सिकलेट है, तो सेंट्रल अमेरिकन सिकलेट ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं साउथ अमेरिकन सिकलेट से, तो ये भी एक चांस है कि फ्लावर हॉर्न ऑस्कर को आराम से मार देगी। वैसे तो ऑस्कर भी कम एग्रेसिव सिकलिड नहीं होती, ये भी बहुत एग्रेसिव हो जाती है, लेकिन एक फ्लावर हॉर्न के मुकाबले इसका एग्रेशन कहीं नहीं टिकता कभी। और वैसे भी ये पूरी तरह से आप डिपेंड करेगा आपकी दोनों मछलियों पे, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो आप मल्टीपल फिशेज रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर फ्लावर हॉर्न को अकेला ही रखिए, क्योंकि ये अकेले भी बहुत सुंदर लगेगी। और अगर आप मल्टीपल फिशेस रखेंगे तो उसमें बहुत सारे चांसेस रहेंगे कि फ्लावर हॉर्न उनसे लड़ ले, या फिर वो फ्लावर हॉर्न से लड़ ले, तो इसलिए आपको बहुत दिक्कत पड़ सकती है फ्लावर हॉर्न को किसी और मछली के साथ रखने में। ऑस्कर्स के साथ ही नहीं, सिर्फ आप किसी भी मछली के साथ उसको रखने में बहुत दिक्कत पड़ सकती है। फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं कि फ्लावर हॉर्न रह जाएगी, लेकिन सारी फ्लावर हॉर्न्स नहीं रह सकती। अगर आप उन दोनों को बचपन से डालेंगे, ऑस्कर या फ्लावर हॉर्न को, तो वो शायद रह लेगी, लेकिन फ्लावर हॉर्न बड़े होने के बाद बहुत एग्रेसिव हो जाती है, अपनी टेरिटरी को लेके वो बहुत अग्रेसिव होती है, इसलिए वो फ्लावर ऑस्कर से लड़ सकती है। तो इसके लिए अगर आप ऑस्कर या फिर कोई और भी मछली डाल रहे तो ये इंश्योर कर ले कि वो मछली फ्लावर हॉर्न से साइज में बड़ी हो। ऑस्कर वैसे बहुत पानी गंदा भी कर देते, तो वो फ्लावर हॉर्न के लिए खतरनाक हो सकता है। और वैसे भी इन दोनों मछलियों के खाने अलग अलग होते हैं, इन दोनों के फूड रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। ऑस्कर के लिए आप नॉर्मल सिकलेट फूड दे सकते हो और फ्लावर हॉर्न को हेड हंचिंग या फिर कलर वाला फूड दे सकते हैं, तो इसके लिए टैंक बहुत जल्दी आपका गंदा हो सकता है, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप सिर्फ फ्लावर हॉर्न को ही रखें, ऑस्कर को उसके साथ ना डालें, या फिर किसी भी मछली को उसके साथ ना डालें, क्योंकि बहुत सारे चांसेस तो फिर भी रहेंगे कि फ्लावर हॉर्न उनको मार ही देगी, क्योंकि बड़ी होते हुए फ्लावर हॉर्न अग्रेसिव होने लगती है, जबकि ऑस्कर फ्लावर हॉर्न के मुकाबले ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती। तो यार मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप फ्लावर हॉर्न को अकेले ही रखिए, किसी और फिश के साथ ऐड ना करिए, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छी लगेगी अकेले और ज़्यादा कलर शो कर पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।